हर लड़के की चाहत होती है कि उसकी चांद सी महबूबा हो, हर लड़के की, खास करके स्कूल टाइम में। ऐसे ही एक लड़का था, रवि यादव था क्या, वो आज भी है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, आप लोगों को काम आने वाला है, आज भी है वो। उनकी चाहत थी कि उनकी चांद सी महबूबा हो, एकदम स्वीट हो, क्यूट हो, ऑसम हो, गोल मटोल हो, लोग देखे तो देखते रह जाए। लेकिन कोई भी लड़की उनको भाव नहीं देती थी, कोई भी लड़की उनको लाइक नहीं करती थी, क्योंकि वो एकदम गरीब थे, बहुत गरीब थे, और गरीब के साथ साथ वो बदसूरत भी थे। और आज की डेट में लड़कियों को आपसे दो चीज़ चाहिए, या तो पैसा या तो शकल, वरना निकल। यार ये दिल दे के कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। वही हाल रवि का था। किसी तरह स्कूल कंप्लीट किए, कॉलेज गए, कॉलेज में गए तो वहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन कोई भाव ना दे। रवि के सारे फ्रेंड की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, सबके पास गर्लफ्रेंड है लेकिन रवि के पास नहीं है। बेचारा भगवान को कहता, भगवान बस एक गर्लफ्रेंड दे दो, फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं, एक गर्लफ्रेंड। तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आई, एकदम साधारण सिंपल नॉर्मल लड़की। रवि सोचा कि ना मिलने से अच्छा है कि कोई मिल रही है ना। दोनों बातचीत शुरू किए, बातचीत करते करते दोनों का प्यार बढ़ता गया, आसमान छूता गया प्यार। फिर दोनों कुछ साल बाद शादी कर लिए। शादी करने के बाद, गौर से सुनिएगा, शादी करने के बाद उसके घर में एक बहुत प्यारी सी बेटी आई। रवि अपनी बेटी का नाम प्यार से कोमल रखा, कोमल यादव। कोमल बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही क्यूट थी। रवि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इस दुनिया में उसको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं था। दो जिस्म एक जान थे। बेटी को इतना सा भी प्रॉब्लम आए तो रवि की जान निकलती थी। लेकिन रवि आज भी गरीब था और रवि के सपने आज भी अधूरे थे चांद सी महबूबा की। आज भी वो चाहत रखता है कि उसकी चांद सी महबूबा हो। तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आई, एकदम चांद सी महबूबा। वो लड़की जैसे ही रवि की लाइफ में आई, रवि की लाइफ में तरक्की होना शुरू हो गया, एकदम तरक्की होने लगा। धन दौलत शोहरत सब रवि को मिलने लगा। अब क्या, रवि को लगा कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, तरक्की आ रहा है। तरक्की इतना आया कि रवि एकदम स्मार्ट हो गया, पैसे के दम पे एकदम स्मार्ट, जैसे बॉलीवुड के हीरो लोग होते हैं ना, पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते हैं, वही हाल रवि का था। रवि बहुत स्मार्ट हो गया। वो उस लड़की से भी शादी कर लिया जो उसके लिए लकी थी, चांद सी महबूबा, समाज से चोरी चुपके। शादी करने के बाद रवि का लाइफ एकदम हैप्पी हो गया। अब क्या चाहिए, दो दो बीबी है, जान से प्यारी बेटी है, धन है, दौलत है, शोहरत है, और क्या। लेकिन इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, तो कहते ना ये दिल मांगे मोर। वही हाल रवि का था। रवि को लगा कि पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं लुटाया जाए, गवाया जाए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, रवि का भी वही हाल था। अब वो सोचा अब टाइम पास करूँगा, बहुत हो गया, गर्लफ्रेंड शादी वादी सब बहुत हो गया, अब सिर्फ टाइम पास करना है, लड़कियों के साथ खेलना है। बंदा वही करना शुरू कर दिया। उसकी लाइफ में लड़कियाँ कोई भी आती, उसकी फीलिंग से खेलता, उसका दिल तोड़ता। आती तो हैप्पी हैप्पी, बट जाती वो रोते रोते, क्योंकि कोई भी लड़की से वो अब शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि दो शादी वो कर चुका था। अब क्या, वो ऐसे ही करता गया, उसकी बीवी दोनों रोती, बेचारी बहुत पछताती, बहुत रोती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, क्या करेगी वो। समय बीतता गया, रवि की बेटी बड़ी हो गई, शादी करने के लायक हो गई। रवि सोचा मैं अपनी बेटी को, कोमल को, बहुत अच्छे घर में शादी करूंगा। और वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे लड़के से बहुत अच्छे घर में शादी किया, एकदम धूमधाम से अपने जिगर के टुकड़े को विदा किया। विदा करने के 6 महीने बाद रवि को कॉल आया, कोमल का, रवि की बेटी का कॉल आया। कॉल आया तो उसकी बेटी बहुत रो रही थी, रो रो के कह रही थी, पापा मैं बहुत परेशान हूँ, पापा मैं बहुत दुखी हूँ, पापा मैं मर जाऊँगी, पापा मेरे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पापा मैं जब भी कॉल करती हूँ अपने पति को तो वो बिज़ी रहते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बात सुनते नहीं, मुझे गुस्सा करते हैं पापा, पापा कुछ करो, पापा मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी पापा, अगर मेरा पति नहीं संभला नहीं सुधरा तो मैं मर जाऊँगी पापा, मेरा दम बहुत घुट रहा है पापा, पापा मैं बहुत बेचैन हूँ पापा, मैं पागल हो जाऊँगी पापा, कुछ करो पापा। खूब गिर गिरा के वो अपने बाप के सामने रोती रही, बहुत रोई वो, और बाप का कलेजा फट रहा था, जितना बेटी रो रही थी उतना बाप का तकलीफ बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में दामाद को फ़ोन किया, दामाद से पूछा मेरी बेटी में क्या कमी है जो तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरी बेटी को रुला रहे हो। दामाद ने कहा खाली दिमाग शैतान का होता है, बेटी को बोलो काम में ध्यान दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सक्की है आपकी बेटी।
कोमल यादव अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। कोमल छत से कूद के अपना जान दे दी। जान देने के बाद वो मरी नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रही, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई। ना तो वो कुछ बोल सकती थी, ना तो वो चल सकती थी, ना तो वो बैठ सकती थी, सिर्फ और सिर्फ देख सकती थी और रो सकती थी, और उसमें कुछ नहीं था। ससुराल वाले उसको छोड़ दिए। 5 साल तक रवि अपनी बेटी की सेवा किया। 5 साल तक कोमल यादव मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। अभी अभी कोरोना में उसकी मौत हुई है। ये कोरोना में अभी अभी की बात है, 2021 की उसकी मौत हुई। उसका बाप हर रोज़ यही कहता है कि मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को क्यों मिली, क्यों मुझे क्यों नहीं। दोस्तों मैं एक सच्चाई बता रही हूँ, इस दुनिया में मौत से भी बड़ी सज़ा अपने बच्चे को अपने आँख के सामने तड़पते देखना है, तड़प तड़प के मरते देखना है। उससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं हो सकती दुनिया में। जिस तरह अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, ठीक उसी तरह बुरे कर्मों का फल भी तुरंत नहीं मिलता। एक बात बिल्कुल सच है, मैं बुजुर्गों से सुनी हूँ कि पास्ट एक बार फ्यूचर में लौट के जरूर आता है। तो किसी को तकलीफ उतना ही दीजिए जितना आप बाद में सह सकते हो, वरना तकलीफ किसी को मत दीजिए। किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, चाहे वो कोई भी हो।